बिथानिया का निवासी लाजरस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बिथानिया मरियम और उसकी बहन मर्था का गांव था। ये वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसका भाई लाजरस बीमार था, इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। ईसा ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। ईसा मर्था, उसकी बहन मरियम और लाजरस को प्यार करते थे। ये सुनकर कि लाजरस बीमार है, वे जहाँ थे वहाँ और दो दिन रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शिष्य बोले, गुरुवर कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वो सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ईसा ने ये उसके मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वो नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरस मर गया है, मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको, आओ हम उसके पास चलें। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सहशिष्यों से कहा, हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरस 4 दिनों से कब्र में है। बिथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वो उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वो अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वो मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। वो ये कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। ये सुनते ही वो उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुंचे थे, वह उसी स्थान पर थे जहां मर्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे ये देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे कि वो कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा,
इन्होंने तो अंधे को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मर्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का ये चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाचकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें, वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है, क्या वो पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से ये आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दे।